नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 4 नवंबर है और आज बुधवार का दिन रहेगा। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज करवा चौथ भी है। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन में मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, सूर्य जो है वो तुला राशि में है और चंद्रमा जो है दोपहर को लगभग 3:48 तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। बात करेंगे हम आपके लिए राशियों की, कैसा रहेगा दिन और क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं द लवर्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। आज के दिन में बिजनेस में पार्टनर्स के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। आज के दिन में काफ़ी हद तक आपके लिए तनाव दूर होने के या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि अपने काम को एक बेहतर तरीके से करने के लिए अच्छा योग बन रहा है। इसी के साथ इनकम सोर्सेज बढ़ने के लिए प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्थितियाँ जो हैं वो सामान्य रहेंगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आज किसी का भी आप लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए तो लोग आपसे बातचीत की जा सकती है। आज के दिन का उपाय, गणेश स्तुति के साथ दिन की शुरुआत की जाएगा और साथ ही में आज हरे रंग की चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, एट ऑफ पेंटैकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। वृषभ राशि वाले लोग, परिवार से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। आज के दिन में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे मोटे नुकसान को आज कोशिश करें नज़रअंदाज नहीं करें। छोटी छोटी बातों को भी आज एक कॉशन की तरह लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितनी आपकी क्षमता है कोशिश कीजिएगा उतना ही आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, उससे ज़्यादा नहीं लें, बिना वजह की कमिटमेंट्स में ना पड़ें। आज आर्थिक नुकसान झेलने की क्षमता नहीं है तो कोशिश कीजिएगा रिस्क आप लोग नहीं ले। ज़रूरी है कि आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। रिश्तों के लिहाज से दिन बढ़िया नज़र आ रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है कामकाज के लिए उसमें थोड़ा सा आपको डाइसी हो सकते हैं। आप लोग गौशाला में दान करना आज के दिन में अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा सतनाजा यानी कि 7 तरह के अनाज को मिला करके उसे डोनेट कीजिएगा। मिथुन राशि कार्ड निकल रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। तो उम्र में जो लोग आपसे छोटे हैं वो लोग हो सकता है आपकी मदद कर दें, आपकी समस्या का समाधान निकाल दें। अतिरिक्त खर्चे के अंदर ही आज आपको हर चीज़ को मैनेज करना हो सकता है। आर्थिक स्थिरता जो है वो बेहतर नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक उससे आपके लिए जो पुराने कर्जे हैं वो आप खत्म कर सकते हैं। आज के दिन में किसी की भी सलाह जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो लोगों की बातों को सोच समझ करके ही सुनेगा और उसके बाद ही उन्हें अपने काम में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपको किसी चीज़ में नॉलेज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। नारायण कवच का पाठ कीजिएगा संध्या काल के समय 3 बार। कर्क राशि, 6 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। बड़े पैमाने पर आज उधार जो है वो वसूल सकते हैं आप लोग। क्लाइंट से आज पूरा पूरा आश्वासन जो है वो आपको मिलेगा। एंग्जाइटीज खत्म हो सकती हैं। लीगल एक्शन जो है वो लेने से पहले एक बार सोच विचार ज़रूर कर लीजिए कि आपके लिए ये समय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पर इसका असर आपकी छवि के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को सोच समझ करके ही आप हैंडल कीजिएगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आज सरकारी काम से जुड़ी हुई छोटी गलती भी आपके लिए बड़ा नुकसान लेकर के आ सकती है। थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा हर चीज के लिए। संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना आज अच्छा रहेगा। सिंह राशि, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। यात्राएं दिखाई दे रही हैं। आज आपके काम की गति ना केवल बढ़ेगी बल्कि पुराने पेंडिंग कामों को भी पूरा आप लोग कर सकते हैं। करियर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डिसीजन, कोई खास डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो आप आज के दिन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको तुरंत मिलेंगे। काफ़ी हद तक परिस्थितियाँ जो हैं वो अचानक से आपके लिए बदलाव लेकर के ज़रूर आएंगी। साथ ही में आज चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रोमांचकारी हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ेगा। पार्टनर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। आज राधा कृष्ण की उपासना करना अच्छा रहेगा और साथ ही में करियर में बढ़ोतरी के लिए आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कन्या राशि, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। कन्या राशि वाले लोग आज अपने आप को प्राथमिकता ज़रूर दें। इसके अलावा आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ों में जो बदलाव है वो नज़र आ रहे हैं। वर्क उसके लिए ये जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना हर काम को करने की, ये काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित कर सकती है। कुछ ना कुछ यात्रा से जुड़ा हुआ आज हो सकता है। ट्रैवलिंग में भी आप अपने काम के वजह से कर सकते हैं, व्यापार की वजह से, जो कि आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। वर्गोज आज सेहत का ध्यान रखिएगा, खासतौर पे ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। आज के दिन में वृक्षारोपण ज़रूर करें। आप कोशिश करें कि
क्योंकि महीना जो है कार्तिक का महीना है, तो तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, केले का पौधा, जो खासतौर पर भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, उनका आप वृक्षारोपण जरूर करें। बात कर लेते हैं लिब्रंस की। तुला राशि भी एम्परर एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स का निकल रहा है, और आप लोगों के लिए आज बड़े फैसले कुछ लेने पड़ सकते हैं। खासतौर पे किसी न किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत, आपकी तालमेल बहुत बढ़िया बनेगी। आज के दिन में आर्थिक समर्पण और साथ ही में आपको कुछ न कुछ आपकी आइडियोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक काम को करने के लिए बेहतर हो सकती है। आज के दिन में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत बढ़िया रहेगा, प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, इस तरह की चीज़ों में, म्यूचुअल फंड्स में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन तुला राशि वाले लोग आज प्रयास कीजिएगा अपनी मदर फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय, प्रयास कीजिएगा भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा साथ में करेंगे। स्कॉर्पियो फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड टेन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आपके लिए। आज आपकी जो इंटरेस्ट लेवल की चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकती हैं। आज आपके कामकाज की सराहना ज़रूर होगी, सीनियर से कुछ लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी की वजह से कुछ काम अगर रुके हुए थे वो आपके लिए पूरे हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में आज चीज़ें आपके लिए पूरे होते हुए नज़र आ रही हैं। भगवान विष्णु के आगे गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाएगा और विष्णु सहज नाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। धनु राशि फोर ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। धनु राशि वाले लोग आज के दिन में कुछ ना कुछ खास आपके लिए नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो भी आप लोग कहना चाहते हैं उसे आप ज़रूर कहिए सामने वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके इमोशंस जो हैं वो आपके मन में ही ना रह जाएं। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से दिन बढ़िया नज़र आ रहा है, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो आपको अपनी छवि को सुधारने की ज़रूरत है। धनु राशि वाले लोग आपके लिए कहीं ना कहीं पे इनकम सोर्सेज जो हैं वो बढ़ सकती हैं। एक से दूसरा व्यवसाय जो है या किसी तरह का कोई कारोबार जो है किसी के साथ जुड़ करके आप लोग कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपको सही समय पर सही डिसीजन मेकिंग लेना पड़ सकता है। किसी नए व्यक्ति से मिलने के योग जो हैं वो बन रहे हैं। आज के दिन का उपाय ये रहेगा, आपको सुबह उठ करके गणपति जी को दूर्वा अर्पित करनी है। मकर राशि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में आपको काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। साथ ही में आज प्रमोशन जो है आप अगर कहीं पे अटका हुआ था वो आपके लिए नज़र आ रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आज अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कोई खास डिसीजन मेकिंग आप अपने करियर से जुड़ा हुआ ले सकते हैं। आज के दिन का उपाय ये रहेगा, आप सुबह उठ करके माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। कुंभ राशि की बात करते हैं। फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है आपके लिए। नई जिम्मेदारियां जो है वो नज़र आ रही हैं, साथ ही में कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी तरह की कोर्ट कचहरे से जुड़ा हुआ कोई अगर काम था वो पूरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें दूसरों से, क्योंकि वो आपको मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। मीन राशि दी हेरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। नेगेटिविटी से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों के ऊपर कोई अगर दबाव बना करके कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो प्रयास कीजिएगा ऐसे लोगों से आप दूर रहें या फिर ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। आज के दिन में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पे आपकी सीनियर्स आपको सहयोग ज़रूर करेंगे, आपके माता पिता आपको सहयोग ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आज के दिन में उपाय आपको ये करना होगा, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को एक चांदी का सिक्का ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ, और एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।